हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब राइट नाउ ठंड चल रही है विंटर सीजन चल रहा है uh, तो ठंड में ना गाइस एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है वो स्किन एंड हेयर की जो प्रॉब्लम होती है ना जैसे स्किन आपकी ओवर ड्राई होने लग जाती है फ्लेकी हो जाती है स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है इचीनेस होती है, है बालों का तो मती पूछो वो एकदम रफ और फ्रीजी नजर आते तो मेरे साथ भी यार यही प्रॉब्लम होते है क्योंकि हमारे लुधियाना पंजाब में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ती है धूप बिल्कुल भी नहीं आती है और बारिश होती रहती है तो सोचो कितना ठंडा मौसम हो, हो जाता है तो उसमें ना गाइस स्किन और हेयर दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है बट थैंक्स टू एल्फ गुडनेस एल्फ गुडनेस का हॉल ना मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं इधर यूज कर रही थी ट्राई कर रही थी तो बहुत चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दे आर माई फेवरेट्स Um, मैंने उनके फेस वॉशेस ट्राई किए मैंने उनके शैम्पू ट्राई किए फेस पाउडर ट्राई किए मतलब जो फेस मास्क बना के डीए जो पाउडर होता है ना वो भी मैंने ट्राई किया इनके बॉडी लोशन बहुत अच्छे हैं तो बस आज वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी माय विंटर स्किन केयर रूटीन हेयर केयर रूटीन फीचरिंग एल्प गुडनेस तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस okay, सबसे पहले हम करेंगे हेयर केयर रूटीन क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और डैंड्रफ भी हो जाती है स्कैल्प में विंटर्स में तो मैं यहाँ पे आपके साथ दो शैम्पू शेयर करूँगी एल्स गुडनेस का एलोवेरा एलमंड ऑयल एंड क्लिम्बाजोल एंटी डेंड्रफ शैम्पू है फॉर ड्राई स्कैल्प अगर आपको डैंड्रफ है ईजीनेस हो रही है तो आप इसको यूज करो ये इरिटेशन को कंट्रोल करेगा आपके स्केल्प में जो इरिटेशन हो रही है और साथ में सूद करेगा सेंसिटिव स्केल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला शैम्पू है एक और मेरे पास है यहाँ पे एल्फ गुडनेस का कोकोनट आर्गना ऑयल एंड हेलोरॉनिक एसिड शैम्पू ये हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग शैम्पू है आपके ड्राई हेयर के लिए मतलब अगर आपको डेंड्रफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर आपको वैसे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई लगते हैं फ्रीजीनेस लगती है आपके बालों में तो आप ये वाला शैम्पू यूज करो जैसे मैं यूज़ करते हूँ मुझे स्कैल्प में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे डेंड्रफ वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लेकीनेस भी नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि ठंड में, में मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं फ्रीजीनेस हो जाते हैं ब्रिटल से लगते हैं टूटते बड़ी जल्दी है तो आप ये वाला शैम्पू ट्राई करो हियालॉनिक एसिड इसके अंदर है तो ये हाइड्रेट करेगा मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को भी साथ साथ में स्कैल्प को भी तो आपके बाल आपको काफी मैनेजेबल दिखेंगे स्मूथ दिखेंगे गाइज अगर आपका ऑयली स्कैल्प है ना तो आप एल्फ गुडनेस का ना टी ट्री लेमन एंड क्लिम्बासोल वाला शैम्पू ट्राई करना वो ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है फाइट करेगा और ट्रीट करेगा आपके डैंड्रफ को नरिश करेगा आपके स्कैल्प को और सूद भी करेगा अगर इरिटेशन वगैरह होती है ना तो वो भी वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना ऑयली स्कैल्प के लिए बट राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई स्कैल्प के लिए एंड एट द एंड आप रिजल्ट देख ही सकते हो अच्छे से शैम्पू करने के बाद बालों को थोड़ा सा ड्राई वगैरह करने के बाद एंड थोड़ा सा स्टाइलअप करने के बाद बाल कुछ इस तरह से एकदम सॉफ्ट स्मूथ शाइनी से नज़र आते हैं अब करते हैं थोड़ी सी स्किन केयर तो सबसे पहले मेरे पास है, एल्प्स गुडनेस सिनमन सैलिसिलिक एसिड एंड हेलोरॉनिक एसिड फेस वॉश एक्ने कंट्रोल फॉर ड्राई स्किन मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है लेकिन अगर आपको एक्ने हो रहे हैं ऑयली स्किन नहीं है ड्राई स्किन के ऊपर अगर आपको एक्ने हो रहे ना तो आप इसको ट्राई करो सो फ्री फॉर्मूला है मिल्की टेक्सचर है दूसरा मेरे पास ऑप्शन है गाइस एल्प्स गुडनेस का राइस लीकरिश एंड नाया सिनामाइड वाला फेस वॉश ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है मतलब नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा वाला फेस वॉश है आप इसको डेली में यूज करो बहुत आ, जेंटल फेस वॉश है ये राइस अनइवन पैचेस को ट्रीट करेगा नया सिनामाइट लाइट करेगा आपके ब्लैमिशेज को एंड स्पॉट्स को और जो लीकरिश इसके अंदर डालन वो ब्राइटनिंग इफेक्ट uh, देगा आपके स्किन uh, को तो इसका भी जो टेक्सचर है ना मिल्की टेक्सचर है सो फ्री फॉर्मूला इसके अंदर कोई भी नेस्टीज़ वगैरह नहीं डाले हुए एंड मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ आई थिंक अब आधे से भी ज़्यादा खत्म हो ही चुका है मेरा ये वाला फेस वॉश और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा इसको यूज़ करते हुए एल्प्स गुडनेस के पास ना गाइज आपकी हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन की जो भी आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सब कुछ सोल्यूशन है आप एक बार जाके पोपल की वेबसाइट पे जरूर चेकआउट कर लेना फेस मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ज्यादा स्किन केयर की जो आपको हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए एल्प गुडनेस के यहाँ पे मेरे पास है एलोवेरा लीफ पाउडर अच्छा एक दो और फेवरेट वाले पाउडर्स मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे पास है एल्प गुडनेस का उपटन पाउडर और साथ में गाइस मेरे पास है यहाँ पे रोज पेटल पाउडर ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है दोनों एक्चुअली मेरे ये खत्म हो चुके हैं इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ बट करंटली मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एलोवेरा लीफ पाउडर हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो ये अगर आपको डैंड्रफ है ईची स्कैल्प है तो ये क्या करेगा मॉइस्चराइज करेगा आपके स्कैल्प को एंड प्रिवेंट करेगा ईचीनेस को एंड इंक्रीज करेगा आपके हेयर ग्रोथ को ठीक है हंड्रेड प्योर है नेचुरल पाउडर है इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं है और एक कॉम्पैक्ट जिप लॉक पैकेजिंग में आपको पाउडर्स मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको स्किन के लिए यूज करना है ना तो आप इसको या तो आ, सिंपल वाटर में ऐड कर लो मिक्स कर लो या फिर कर्ड के साथ मिक्स कर लो मैं तो यहाँ पे एल्स गुडनेस का टोनर मैंने मिक्स कर लिया क्यों टोनर अच्छी तरह से ये क्या करेगा ड्राई स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा एक्ने प्रोन स्किन को क्या करेगा काम करेगा सूद करेगा एंड ये हंड्रेड प्योर है नेचुरल पाउडर्स है इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं डाले हुए बाकी गाइज आप ना इनका उपटन पाउडर भी जरूर ट्राई करना क्योंकि उसके अंदर कैंफर है चिकपी है टर्मरिक है जो क्या करता है ना ट्रीट करता है इन्फ्लामेशन को फाइट करता है यू नो एक्ने वगैरह के अगेंस्ट और फेड करता है ब्लैमिश को आप इनका ना रोज़ वाला पाउडर भी जरूर ट्राई करना क्योंकि वो क्या करें नेचुरल सा ग्लो पिंकी ग्लो ऐड कर देता है तो आप तीनों पाउडर्स को जरूर ट्राई करो क्योंकि तीनों ही मेरे फेवरेट वाले पाउडर्स हैं तो बस अच्छी तरह से मैंने पाउडर पंद्रह बीस मिनट रख लिया था स्किन आप देख ही सकते हो अब बारी आती है थोड़ी सी और ज्यादा बॉडी केयर करने की तो बॉडी में बॉडी केयर में गाइस मेरे पास है गुडनेस का रोज एंड स्क्लिन हाइड्रेटिंग जेल बॉडी लोशन लाइट वेट फार्मूला है नॉन ग्रीसी है नॉन स्टिकी है बहुत ही ज्यादा यूनिक फॉर्मूला इसका हैवी नहीं लगेगा आपको स्किन के ऊपर एंड ये विंटर्स के लिए भी अच्छा है अगर आपकी ड्राई या फिर डिहाइड्रेटेड से अगर आपकी स्किन रहती है ना हमेशा तो आप इसको ट्राई करो क्योंकि बहुत ईजीली आपकी स्किन के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाता है और हाइड्रेटेड दिखेगी आपको आपकी स्किन और स्मेल की तो मैं बात ही क्या करूं इतनी रिफ्रेशिंग स्मेल है ना गाइज इसकी मैं आपको ना विजिबल डिफरेंस दिखाती हूँ देखो मैंने एक हाथ पे लगाया ना इसको तो जो दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो दूसरा वाला इतना ड्राई लगेगा ना आपको रेगुलर यूज करो तो जब भी आप नहा के आते हो या दिन में आप इसको एक दो बार और ट्राई यूज करो तो आप देखोगे आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट दिखेगी स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाएगा ये देखो तो गाइस आई एम लविंग माय स्किन राइट नाउ आप देख ही सकते हैं आई एम लविंग माय हेयर राइट नाउ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिल्की मेरे बाल लग रहे हैं एंड अगर मैं स्किन की बात करूं तो एकदम मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड लग रही है मेरी स्किन तो डेफिनेटली आप ये वाले प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई करो परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए अपने एल्प गुडनेस के फेवरेट प्रोडक्ट्स आप लोगों ने इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो तो मुझे कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना एंड क्या आप ट्राई करने वाले हो वो भी आप मुझे जरूर बताना तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू अगर आपको मेरी आज की आ, विंटर स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन अच्छी लगी थोड़ी सी अगर अच्छी लगी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है सबके साथ आप शेयर जरूर करना है देन बाय बाय लव यू